बेहद खुशी है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। एट द सेम टाइम आई एम नर्वस टू, क्योंकि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ इस अवार्ड के लिए। बस अब देखते हैं कि अंदर जाके हमें अवार्ड मिलता भी है कि नहीं। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड बहुत पुराना ब्रांड है इनका एंड वी ऑल विशिंग देम टू गो इन फ्यूचर मोर ब्राइटर एंड मोर ब्राइटर। सी अगर मैं कहूँ तो आफ्टर कोविड अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ है ये पैंडमिक सिचुएशन के बाद। और ऑफ कोर्स एक अवार्ड अगर आपको मिलता है आपके काम के ज़रिए तो वो आपकी अलग पहचान होती है और एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है आपके परफॉर्मेंस के प्रति, आपके काम के प्रति, कि आप लोगों को और बेटर और बेस्ट दिखाए। एंड अवार्ड बहुत मायने रखता है हर पाने में। सी मैं सच बताऊँ तो आज भी मैं उतनी नर्वस और उतनी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि अवार्ड एक ऐसा एक ज़रिया होता है हमारा आपके प्रति प्यार दिखाने का, एक ज़रिया दिखाने का कि हमने हमारा 100% दिखाने की और बिताने की और परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी कोशिश करी। और उसका एक ये ऐसा चीज़ होता है अवार्ड लेने के बाद जो हमें दिलचस्पी और हमें खुश करता है इंसान की, मैंने जो किया उसमें मैंने अपने 100% देने की कोशिश की। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड लाइक माय फर्स्ट अवार्ड एंड ऑलवेज हैप्पी। चल जल्दी आ, चलो मैम, आपकी आवाज़ फाउंडेशन की ओर से अवार्ड रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है इस तरह के कार्य जब लोग? बहुत खुशी हो रही है। ऑब्वियसली किसी भी तरह का एक्नॉलेजमेंट हो तो खुशी तो होगी। दैट समबडी इज डूइंग दिस रियली ब्यूटीफुल अवार्ड्स, द महाराष्ट्र रत्न अवार्ड्स, तो अच्छा लगता है। एक तो महाराष्ट्र की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है और आपकी आवाज़ फाउंडेशन ऐसा कुछ इनिशिएट कर रही है, सो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैम, कोविड के बाद में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और जो कोविड के दौरान जिन्होंने लोगों की सहायता की थी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हो रहा है, तो कैसा लगता है आपको कि इस तरह के कार्य और होने चाहिए? और हो या कम हो वो बात नहीं है, हो रहे हैं वो बड़ी बात है और होने भी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलात से हम लोग निकले हैं। और मेरे ख्याल से अब ये जब अवार्ड्स देते हैं ये बात हमें ज़रूर बताता है कि हमें कॉशियस रहना अभी भी ज़रूरी है। हम लोग मतलब बेसिक चीज़ें देखना भूल जाते हैं। अभी मेरे हाथ में मास्क है, सो जहाँ पहन सकती हूँ वहाँ ज़रूर पहनना है, और जो लोग हमारी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उन्हें सलाम करना बड़ा ज़रूरी है। इन दिनों क्या चल रहा है मैडम, बताना चाहेंगे? इन दिनों शर्मा जी की बेटी की शूट कर रही हूँ, फिर अभी दिबाकर बैनर्जी की फिल्म आ रही है, फिर उमेश शुक्ला की आ रही है, फिर एक अमेजोन का शो आ रहा है, फिर धाकड़ आ रही है। नमस्ते आप लोग, आप सब लोगों को। मेरा नाम अर्शन, अच्छा विच वन सेंटर, ठीक है। नमस्ते आप सब लोगों को, मेरा नाम अर्शन मेहता है और मैंने बॉलीवुड में काफ़ी कमर्शियल्स, काफ़ी काम किया हुआ है। आई वॉन्ट टू थैंक आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड अंजन गोस्वामी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। वेल अबाउट माई प्रोफाइल, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से, पर एक लड़की का हमेशा सपना होता है ना एक्टिंग करना, ये वो। सो आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी पैजेंट्स एंड एवरीथिंग, और फिर मैंने काफ़ी कमर्शियल्स किए हैं, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए हैं, अभी भी काफ़ी हो रहे हैं। मैंने काफ़ी मूवीज़ किए थे, बजरंगी भाईजान मेरा फर्स्ट मूवी था एज इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, और उसके बाद से मैंने लीड्स में काफ़ी मूवीज़ किए हैं, द रैली, अभी एक अनारी इज़ बैक आने वाली है, फिर मैंने सालों की शादी, और अभी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है कॉल मैं हीरो बोल रहा हूँ, मैंने वो किया हुआ है, और अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी शूट किया है राज कपूर जेंटलमैन करके। थैंक्स।
आप लोग सब कैसे हैं? बस बढ़िया मैं आओ ना बस हेलो कम ना लाइट देना बस सर जाना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आपके पास फाउंडेशन का ये जो अवार्ड फंक्शन है और रंजन गोस्वामी जी के बारे में कब से जुड़े हुए हमसे और कब से जानते हैं जब से इस अवार्ड का जन्म हुआ है तब से मैं इस अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ सबसे पहले अवार्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बंदा हु इज़ द पर्सन बिहाइंड द शो दैट इज अंजन अंजन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग उसके दिल में बहुत कुछ करने का है बेसिकली सिनेमा का आदमी है लेकिन अवार्ड देते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवार्ड देती है और अवार्ड का मतलब है जितने टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ती है जितने कलाकार हैं उनको अवार्ड मिलता है खुशी मिलती है उनको और ये कोविड के बाद के जो ज़माने हैं महफिलें चलती रहें अच्छा है इट्स वेरी गुड वेरी नाइस आई अप्रिशिएट उसका एंडेवर उसका हार्ड वर्क इट्स वंडरफुल मेरे फ्रंट जो है ना बड़ा रंगीला फ्रंट है मेरा फ्रंट बड़ा रंगीला है और एक तरफ अगर एक्टिंग है पहले एक्टिंग का बताता हूँ फिर मैं सिंगिंग का बताता हूँ फिर म्यूजिक डायरेक्शन का बताता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो है ना तो किसी के साथ कंपटीशन है ना कोई मेरे साथ कंपटीशन कर सकता है क्योंकि मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे हमारे सबसे बड़े दादा के एल सहगल साहब उसके बाद द ग्रेट किशोर कुमार साहब एसपी बाला मनियम साहब एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब और भी जितने सिंगर एक्टर कलाकार हैं उसके बाद मैं भी इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ एंड एक्टिंग में हमारे चार पांच फिल्में हैं एक का नाम है टोकन टोकन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अनूप जलोटा जी and it's a wonderful film and second is Ulte by Manoj Nathwani ji and aur bhi do char filme hain jo ek hai Sushant Singh Rajput ke upar based hai that is Nyay the Justice aur bhi kafi filme hain uske ilawa gaane hain kafi gaane aa rahe hain hamare hamara andaaz to alag hi hai aur हमारे अंदाज भी किसी की कॉपी नहीं है तो काफ़ी गाने आ रहे हैं उसमें एक वेब है वेब का थैंक्स टू द प्रोड्यूसर संजय मलमल एंड थीबा साहब बाबू भाई थीबा उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया एक उनका वेब अभी शुरू हो रहा है उसका नाम है जिगोलो उसमें मैंने म्यूज़िक भी दिया है and it's going to be something very good apart from that hamara single jo hai wo aa rahe hain kafi gaane aa rahe hain aur filmon mein bhi hain ulte mein maine gana gaya hai nyay the justice mein gaya hai to kafi cheeze hain things are happening in the wonderful way god bless take care give good wishes to this award good my good wishes to anjan god bless टेलीविजन को देने के बाद एक सीनियर नाम आपके आगे चाहो ना चाहो आ जाता है सो दिस इज द बेस्ट एक्टर सीनियर फॉर द टेलीविजन एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड टू माई पेरेंट्स टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच आई हैव अ स्पेशल हैप्पीनेस टूडे अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई गौरव शर्मा प्लीज़ आप आइए And this is a big achievement for me, for him, that we are receiving a first award for him as a businessman, and we are partner as well. So I am happy to receive these two awards, two beautiful things we are taking home. Cheers with this, and congratulations to everybody. Congratulations to you, Sharma. Thank you so much.
अंजन गोस्वामी को मैं बहुत समय से जानती हूँ और लास्ट टाइम उनके अवार्ड में मैं आने वाली थी, लेकिन चूंकि मेरा कुछ शेड्यूल रहा नहीं और मैं नहीं आ पाई। बट आई थिंक वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अवार्ड को बना लिया है और अच्छे से मुझे लगता है कि अच्छे स्टेज पर आ चुके हैं। और बाकी तो मैं भी जाके देखती हूँ, बट मेरी तरफ से हमेशा ऑल दी बेस्ट रहता है सबको कि अवार्ड अच्छा रहे, फले फूले, बहुत बड़ा अवार्ड बने। सॉरी से अगेन, या आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट कॉल विच इज़ लाइक सोलो हिंदी मूवी विच इज़ वी आर स्टार्टिंग इन फेब एंड दैट इज गोइंग टू बी OTT प्लेटफॉर्म। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आपके पास फाउंडेशन अवार्ड के बारे में, राजेंद्र गोस्वामी जी के बारे में, जिनका ये अवार्ड है। आप सभी को नमस्ते। महाराष्ट्र का अपना अवार्ड है और मैं मराठी मध्ये बोलू काय? हिंदी। अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में इतना सम्मान मुझे मिल रहा है उसकी मैं बहुत अहोभागी हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस तरीके से कल्चरल और अपने राष्ट्र गौरव को और अपने जो कलाकार हैं, कलाकृति है, जो संगीत है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के अवार्ड्स और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए ताकि हम आर्टिस्ट, हम कलाकार अपनी काम में, अपने जीवन में शिद्दत से आगे बढ़ सकें। यस, वेरी मच। आई एम वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज। आई जस्ट शॉट फर्स्ट शेड्यूल इन भोपाल एंड सेकेंड शेड्यूल विल बी देयर वेरी सून, मिड ऑफ द डिसम्बर। मोस्टली दैट वेब सीरीज विल बी आउट बाई नेक्स्ट ईयर, मिड 2022। एंड वन वेब सीरीज इज ऑलरेडी कम्प्लीट विच शुड बी देयर ऑन जी और मैक्स होपफुली। आज के इवेंट के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आरती जी हु हैड कम हियर एंड ऑलवेज सपोर्ट ऑल इवेंट्स एंड शी ऑलवेज सपोर्ट मी। शी इज माय वेरी वेरी डियर फ्रेंड लास्ट 25 इयर्स। आरती जी आप क्या कहेंगी? भंडारी जी की बात ही कहाँ करने की जरूरत है। ही इज नंबर वन इन इंडस्ट्री। फिल्म फेयर हो या शाहरुख खान हो या छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, महाराष्ट्र के अवार्ड हो या इंटरनेशनल अवार्ड हो, ही इज देयर, ऑलवेज देयर। थैंक यू। थैंक यू। मैं भाई अंजन गोस्वामी जी ऑर्गेनाइजर, क्या कहना चाहेंगे, कब से जानते हैं उनको और अवार्ड के बारे में? दोस्त हैं अंजन श्री गोस्वामी जी और आपकी आवाज़ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसका नाम ही बताता है कि ये आपकी आवाज़ है, अपनी आवाज़ है, हम सबकी आवाज़ है। और आजकल तो आपको पता है आवाज़ की दुनिया है, जो आवाज़ उठाएगा, जो वोकल होगा वही लोकल होगा और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, यही सिस्टम चल रहा है जो इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। ऐसे हमारे अंजन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और साल में कई सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं और अचीवर्स को अवार्ड देते हैं और जिसको अवार्ड मिलता है उसके लिए खुशी की बात है, क्योंकि क्या है, अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हो और आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है अवार्ड के ज़रिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा मेरा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है, सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो अवार्ड देने वालों को मैं चाहता हूँ कि उनका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता रहे, अंजन जी का और सभी पूरी टीम का, ताकि वो लोगों को और सम्मान देते रहे और जिसको सम्मान मिलता है उनको जोश आता रहे और वो देश के लिए और अपने अपने काम में एक्सपर्ट बनते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये भी कहना चाहूँगा सर, अवार्ड फंक्शन तो बहुत पुरानी चीज़ है लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं और देने वाले बहुत हो रहे हैं और देने वाले बहुत हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहना? हाँ, ये थोड़ा आपने एकदम सही सवाल किया, देने वाले ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे लगता है कि खासकर दादा साहब फाल्के रिक्वेस्ट मान लीजिए सुनील पाल के कि इतने सारे अवार्ड उनके नाम पर कर रहे हैं आप, लेकिन ढंग के लोगों को अवार्ड दिया कीजिए, सही लोगों को अवार्ड दीजिए, किसी को भी बांट कर, किसी भी बड़े कलाकार को बुलाकर उसके हाथ से किसी को दिलवाकर खुद पैसा कमाने के चक्कर में जो लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे में एक दिन क्या होगा, स्वयं दादा साहब फाल्के ऊपर से आएंगे और आपको बांबू से मार के अवार्ड बंद करवाएंगे।
उनके नाम का उनका नाम का इस तरह से अपमान न करिए। दादा साहब फाल्के हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा नाम है, और उनको आप अगर सम्मान नहीं दे सकते तो इस तरह से सम्मान कम मत कीजिए। दादा साहब फाल्के हैं तो हम हैं, फिल्म इंडस्ट्री कलाकारी है, तो फिल्म उद्योग है। सर ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका सपना तो कोई बड़ा अवार्ड मिला उनको, तो उनको ठेस पहुँचेगा नहीं इस तरह के अवार्ड से? बिल्कुल ठेस पहुँचती है, क्योंकि ऐसे अवार्ड फंक्शन में क्या होता है कि सिर्फ और नजर पैसा कमाने के चक्कर में अपने जेब भरने के चक्कर में स्पॉन्सर्स को बुलाकर किसी भी अल्ले नल्ले को अवार्ड दे देते हैं। क्यों? कि वो अल्ले नल्ले से कुछ कमा रहे हैं, वो कुछ स्पॉन्सरशिप मिल रही है, और आर्टिस्ट को बुला के उनके हाथ से अवार्ड दिलवा देते हैं। आर्टिस्ट का भी अपमान है, अवार्ड का भी अपमान है, और जिसको दे रहे हैं उसका सम्मान खुद उसके घर पर नहीं है, तो उसको अवार्ड देकर तुम उसका सम्मान देकर घर वालों का अपमान कर रहे हो, है ना? दादा साहब फाल्के के नाम पे कई सारे अवार्ड हो रहे हैं, इसको लेकर PIL भी दाखिल किया गया है, और बिल्कुल सही अवार्ड फंक्शन जो है वो ही वही होना चाहिए जो ऐसे फॉल्स अवार्ड फंक्शन होते हैं, जो अपनी जेब भरने के लिए, अपना अपनी वाहवाही करने के लिए स्पॉन्सर्स से पैसा लेकर कहीं भी कोई अवार्ड कर लिया, किसी को भी बुला लिया, किसी को भी अवार्ड दे दिया, आर्टिस्टों को भी जो स्टेज पर बैक स्टेज में काम करते बेचारे, उनको ना खाना खिलाना ना पानी पिलाना, और अवार्ड का आता पता नहीं, किसी का भी अवार्ड किसी को भी दिया जा रहा है, अवार्ड स्टेज पर टूट रहे ठाक ठाक टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये सब शर्म आना चाहिए, अपना जेब भरने के लिए आप किसी नाम का सहारा लेकर उसका नाम खराब कर रहे, एंड वो भी इतने रिस्पेक्टेड दादा साहब फाल्के साहब का नाम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइम है ऑलरेडी, अगर इनके ऊपर केस चल रहा है तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इनको अवार्ड ने इनको अवॉइड करो, और अगर ये इस टाइप का अवार्ड देते रहे तो इनको लीलावती के बाजू में ए अवार्ड दे दो। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल, और मेरी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक शिमारोमी पर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग हो रही है, जरूर देखिएगा, और सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करते रहिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, बाकी सब तो समझ जाइए, ठीक है? ओके, जरूर स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये अवार्ड जो है, पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अनजान जी का, जिन्होंने मुझे याद किया इस अच्छे मौके पे, और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मेरे बहुत करीब है एक्चुअली। उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैंने इंडस्ट्री में 50 साल पूरे किए, 50 साल पूरे होने के बाद ये पहला अवार्ड है जो मुझे मिला है, और जो डेफिनेटली मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा और है, और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज अ ग्रेट ऑनर. थैंक यू वेरी मच टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू अंजन गोस्वामी जी, टू महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस रत्न अवार्ड 2021. आई एम वेरी हम्बल्ड. थैंक यू वेरी मच. आप इसी तरीके से हर नए आने वाले एक्टर्स को, टैलेंट को, फोटोग्राफर्स को, प्रेस रिपोर्टर्स को सराहते रहिए और हम अच्छा काम करते रहेंगे. बहुत अच्छा लगा. हम सबको अवार्ड मिलता है, अंजन गोस्वामी को, उनकी पूरी टीम को, और ये अपना महाराष्ट्र, आपकी आवाज़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी प्रेस्टीजियस रत्न अवार्ड, बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा अवार्ड हम लोगों को दिया जाता है. इससे ग्रेट. और बस यही है कि जो काम जिस तरीके से करते हैं उसका ये रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हिम्मत मिलती है ये अवार्ड पाने के बाद. जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट का महाराष्ट्र अवार्ड मिलने से ग्रेट हिम्मत. अली भाई, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित किया जाता है? ऑफकोर्स जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और आगे कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें, कुछ अच्छी फिल्में करें जिससे और भी बड़े अवार्ड्स मिले. हर्षित जी, आपसे भी सेम सवाल है जी. लगता है कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मान. जी जी, मैं एक बात आपको इन्वर्टेड कॉमा में कहना चाहूँगी कि फिल्म फेयर हो या आईफा हो या कोई भी एक्स वाई जी टाइटल हो, जब किसी कलाकार के साथ में बेस्ट एक्ट्रेस का टैग लगता है तो उसकी आत्मा और उसके अंदर जो एक ग्रेट एक्ट्रेस है वो जाग जाती है. एंड आई एम वेरी हम्बल एंड आई एम थैंकफुल दैट माई टाइम हैज़ कम एंड आई एम डूइंग फ्यू वेब सीरीज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई वेब सीरीज. और मैं 110% आप सभी मेरे फैंस को, फॉलोवर्स को बेस्ट डिलीवर करूँ. थैंक यू. सबसे पहले जितने मेरे दर्शक हैं और मेरे श्रोतागण हैं उसको मेरा नमस्कार. मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ये आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड सौरभ शर्मा प्रेजेंट महाराष्ट्र प्रेजेंट रत्न अवार्ड से नवाजा गया. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. और जितने मेरे यूपी बिहार के सब लोग हैं उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से. देखिए, बहुत ज़रूरी है और हमारे इंडस्ट्री में जो भी हमारे एक्टर है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, और ये जिस फिल्म के लिए हमें मिली है वो है तू दिया बाती हम के लिए मिली है. तो मैं बहुत बहुत हमारे प्रोड्यूसर धीरेन्द्र कुमार झा जी और एक्टर कुणाल तिवारी जी को शुक्रिया करता हूँ कि हमें इस अवार्ड से सम्मान किया गया. तो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है तो पहली दफा कब आपको अवार्ड पे जाने का मौका मिला था? नहीं, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम महाराष्ट्र अवार्ड हमें मिला है. और क्या चल रहा है जीवन में, क्या काम? और हमारी एक फिल्म रोटी जो नेशनल अवार्ड के लिए गई है, तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ही भी अवार्ड हमें रोटी के लिए भी मिले. क्या क्या खास है उसके संगीत में? उसके जो संगीत उसका जो बना है, जैसा सिचुएशन के अनुसार उसके संगीत बने हैं और बहुत ही कर्णप्रिय है. और जो एक बार अगर वैसा सुनेगा तो कहेगा नहीं, रोटी के लिए वाकई में वैसा म्यूजिक हमने, वैसा काम मैंने किया है. और संजय भूषण जी बहुत अच्छे हमारे पीआरओ हैं, हमारे सबसे अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सारी हमारी फिल्में भी आ रही है. और जो भी हमारे स्टारर है, यश कुमार जी हैं, उनके यश कुमार इंटरटेनमेंट बैनर के तले कई फिल्में सब आ रही है जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं. तो आप लोगों को गाने अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे. मेरा नाम है शांतनु भमरे, मेरा बैनर का नाम है शांस एंटरटेनमेंट, मैं प्रोड्यूसर और एक्टर हूँ. आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड गजेंद्र, श्री गजेंद्र चौहान जी, श्री अरुण बख्शी जी,
श्री दिलीप सेन जी उनके हाथों मिला। मैं आपकी आवाज़ फाउंडेशन और रंजन गोस्वामी जी जो ये इवेंट के ऑर्गेनाइजर है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मेरे साथियों जिनको भी अवार्ड मिला उनको भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पहले देखिए कितना खूबसूरत अवार्ड है, पहले इसको जूम करिए। सभी हमारे चाहने वाले दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार। आज 12th महाराष्ट्र अवार्ड का आयोजन मुंबई के बांद्रा इलाके में किया गया है, रंग शारदा हॉल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी मात्रा में देख रहा हूँ कि सेलिब्रिटी यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब लोग रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। आज मुझे भी ये आपकी आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट पीआर का अवार्ड दिया गया, उसके लिए मैं आयोजक अंजन गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस तरह का हर 12 साल से वो अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं और काफ़ी जोशीले हैं। जब भी अवार्ड फंक्शन उनको मैं देखता हूँ तो थकते नहीं हैं, हमेशा जोश के साथ वो कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और आज हमारे बीच में बड़े बड़े मैं देखा हूँ कि कलाकार यहाँ पहुँचे हुए थे, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। जिम्मेदारियाँ तो जिस दिन धरती पैदा हो उस दिन से बढ़ जाती है, ऐसे नहीं है, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद हमारे जो फैंस के बीच की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सही तरीके से सही जगह पर हर वो काम करना पड़ता है जिसे आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। थैंक यू सो मच, आइए बना। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में मैं अलका जी के बारे में थोड़ा बताऊं तो भी पता चलेगा क्या? बताइए। अलका जी पहले बॉम्बे में थी और बॉलीवुड के गाने गाती है और आज 20 साल से अमेरिका में बसी है और वहाँ हमारे जो हिंदी गाने का प्रचार कर रही है वहाँ पे बहुत सारी जगह गाने गाती है और आज अमेरिका से आई हुई है इंडिया, तो उनको ये पुरस्कार दिया है। अभी आप बताएं। मैं शॉर्ट में बता दूं कि मैं वहाँ पर एक सिर्फ सिंगर ही नहीं हूँ, मेरा म्यूज़िक स्कूल है और मेरे साथ असिस्टेंट टीचर्स हैं, पूरा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को सिखाती हूँ मैं, और उसके अलावा काफ़ी सोशल वर्क भी करती हूँ मैं, फंड रेज करते हैं हम लोग म्यूज़िक के थ्रू, और हमने रिसेंटली भी बुंदेलखंड में स्कूलों में भेजा है काफ़ी पैसे इकट्ठे करके ना बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स वगैरह एवरीथिंग। तो लाइक यू नो जितना कर सकते हैं अपने देश के लिए वहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं, और मैं महाराष्ट्र में तो परमानेंटली हूँ एक तरह से, तो बरसों से हूँ, घर यहीं पर है मेरा, लेकिन हर साल अमेरिका से आती हूँ और जितना हो सकता है संगीत के लिए करती हूँ। अब आप लोग पूछिए क्या संगीत सिखाते भी है तो मुंडे जी को कब सिखाने वाले हैं? चलो आप भी शुरू कर देते हैं। आइए मुंडे सर, आइए मुंडे आइए ना, देखिए आपको भी सम्मानित किया गया, आपके अवार्ड के फाउंडेशन में से एक अवार्ड दिया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आज जो इंडस्ट्री में मेरा अवार्ड है, मेरा है, तो अंजन जी ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहा मुंडे जी आपका अवार्ड है, तो मैं खुश हुआ, मैं समझ गया ये मुझे क्यों अवार्ड दे रहे, बिकॉज ऑफ काफ़ी सेलिब्रिटी को मैं यहाँ पे ले आया हूँ अवार्ड देने के लिए, इसलिए मैं अंजन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अलका जी को पूछा कि संगीत मुझे कब सिखाएंगे, वो जल्दी अमेरिका मुझे बुलाएगी, मैं जाऊंगा वहाँ और हाँ वहाँ पे फिर मैं कुछ सीख के आ जाऊँगा। ये ट्राई करिए, मैं अरे मुझे लगा आप गा रही हो। नहीं नहीं जी, आपकी क्लास चालू है तो प्लीज आपको जी हाँ चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ, कैसी आपकी आवाज़ है, ट्राई करता हूँ मैं, चलो आपकी आवाज़ कैसी देखना चाहेंगे? मैं तेनू समझावा की मैं तेनू समझावा की
अभी अभी समझ जाइए मुझे कितना खर्चा आने वाला है। ऑनलाइन सिखा दूंगी, कोई बात ऑनलाइन सिखा। थैंक यू। नहीं मैं कह रहा अभी असली बात तो मैं कह दूँ कि अंजन जी को बहुत बहुत मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम, और बहुत अच्छा कर रहे हैं जो इस तरह से कलाकारों को उत्साहित कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रियली प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। तो बहुत अच्छा है और ये प्रयास सक्सेसफुल होता रहे मेरी, मैं चाहती हूँ और उनका सक्सेसफुल होता रहे और ऐसे कलाकारों को सम्मान और इज्जत मिले, पहचान। बिल्कुल, मुंडी जी बहुत ही एक्टिव कहना चाहिए वो हैं, फोटोग्राफर हैं, पत्रकार हैं, इनका मीडिया है ज़बरदस्त और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये 15-16 साल पहले मैंने इनका फ़ोटोशूट किया था, जो आज भी वो फोटोग्राफ्स चल रहे हैं मार्केट में सब जगह, वो फ़ोटो भेजती है सबको, तो उनको शो के लिए बुलाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बताती मुझे कि आप मुंडी जी आपके पुराने फ़ोटो हम भेजते हैं, और अभी अभी बहुत जल्दी एक नया फ़ोटोशूट करेंगे और पहले से अच्छा इनको सुंदर बना के फोटोग्राफी। थैंक यू। तो मतलब आप मुंडे जी को क्या भेज देना चाहेंगी आगे भविष्य के लिए? नहीं, मुंडे जी को बस जैसे मेहनत करना करते रहे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये शिक्षा भी दें, आपने फोटोग्राफर ही सिखाया, अपना क्लास भी खोले हैं, सभी आप चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत बड़े सीनियर इनको चाहिए, चाहिए। अच्छा, अमेरिका में बहुत अच्छे हैं ये, मतलब स्टूडेंट अच्छे बन सकते हैं सिंगिंग में। अमेरिका में बोल रहे हैं कि मुझे बुला के वहाँ सिखाएंगे, मैं फोटोग्राफी सिखाऊँ। लेकिन लेआउट के आ जाना है आपके। चलिए अगले सर, हाँ एक आप संगीतकार हैं क्या, दो शब्द गुनगुना कर सुना। कौन सा सुनना चाहेंगे? कोई भी मैं जाता हूँ। आपके करियर में जो आपने गाया हो और आपका सबसे अभी मैंने इनके साथ दिलीप जी के गाने भी गाए हैं, पर कोई पॉपुलर ही गाना गा दो ना अभी तो। अच्छा, मेरा गाया हुआ वो थोड़ा क्लासिकल टाइप ज़्यादा, भजन बहुत गाए मैंने, अनुभव लोटा के साथ गाए हैं। मेरे तो एक सेमी क्लासिकल है वो, अभी इसमें गुड़गांव में जो मैंने आर डी बर्मन जी को सुनाया था, जीवन में मधुमास है आया, देख देख कर मन हर्षाया, बालापन के अड़हड़पन में यौवन आन समा, मधुमास है आया। ये मेरे डैडी का लिखा हुआ है, इसलिए मैं बहुत पसंद करती हूँ। अब प्रोग्राम में तो लता आशा सभी के गाने गाते हैं जी, और भजन भी काफ़ी मेरे अपने पर्सनल जो मैंने रिकॉर्ड। कुछ पूछल जाओ सर, आज आपको आपके अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से एक अवार्ड मिला है, उसके बारे में बताइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी आवाज़ फाउंडेशन को, और जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया मुझे, और बेस्ट भोजपुरी का अवार्ड मिला मुझे, और ये मेरा कर्म भूमि है महाराष्ट्र, जन्म भूमि तो बिहार है, और बहुत गर्व और खुशी की बात। कुछ गाना सुनेंगे तो गांव का एक मस्त गाना आपको सुनाता हूँ। गांव के हम मन ही बानी, गांव के अपना काये भूली, दो पैसा के चक्कर में शहर में काये झूली, चकाचौन के लाई पहिया भाग दौड़ के भोर, ए भैया पतिया माना चला गांव की ओर, भैया चला गांव की ओर। बड़ा अच्छा है, कोरोना के जब चल रहा था तभी हमने, हाँ तभी हमने गाना गाया था, और एक नया गाना मेरा रिलीज हुआ है, उसका मैं सुनाता हूँ। बिहार से हूँ बिहारी मुझे कहते हैं, बिहार से हूँ बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गरम पर दिल पर सबके रहते हैं, चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं। खाई नहीं सब हम
सतुआ अचार साफ सुथरा रहेला हम लोगन का विचार। मुजफ्फरपुर का लीची और हाजीपुर का केला और दुनिया में फेमस बारे सोनपुर का मेला। पटना में गोलघर, पटना में घोलघर, बगल में गंगा मैया। बिहार के धरती पर जन्म ली सीता मैया, बिहार के हूँ बिहारी मुझे कहते हैं। ये चाहिए अवार्ड? हाँ रखिए रखिए। आप सर कहना चाहो, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, आपके अवार्ड फाउंडेशन और जो ऑर्गेनाइजर है इसके अंजन गोस्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये वन ऑफ द प्रेस्टीजियस और बेस्ट अवार्ड है महाराष्ट्र के लिए। फर्स्ट टाइम मैं महाराष्ट्र का अवार्ड ले रहा हूँ, तो इसमें इतना एक कोर्स मिलता है हमारा काम करने का, एक एक्शन को और जो भी टेक्निकलिटी नया नया लाने का हम कोशिश करते हैं। तो हम ऑलरेडी 150 फिल्म स्टार को ट्रेनिंग दिया है, अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है। तो ऐसा पुरस्कार मिलते रहेगा तो और आगे हम बहुत मेहनत करेंगे और इसके लिए बहुत योगदान देंगे। और सबसे मैं बहुत एक अप्रिशिएट करता हूँ कि ये मीडिया का वजह से मैं 40 साल से चल रहा हूँ, जो मीडिया ने बहुत साथ दे दिया और मेरा ये मार्शल आर्ट को बहुत प्रमोट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। सर ये भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है सेंस स्टोर प्रो, तो क्या प्रोग्रेस है, कब तक आप? ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है अभी, मेरे को लगता है अनदर 2 मंथ्स के अंदर उसमें 1.5 करोड़ का सब्सक्राइबर होने का चांस है और ये हो जाएगा। और ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है और हर आदमी हर इंसान को वर्ल्ड का कोई भी जगह पे बैठ के अपना पिक्चर को अपलोड करके अपना इकोनॉमी का शेयर ले सकते हैं। ये ब्रूस ली का बर्थडे मैं हर साल बनाता हूँ, लास्ट 15 साल से बना रहा हूँ। इसमें हम लोग अपना तरफ से जो अंडर प्रिविलेज बच्चे 300 बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, उन लोगों को टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बार हमने एजुकेशन और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम किया। इसमें हमने एक संदेश दिया कि जो यूथ को पटाखे नहीं जलाए, टायर नहीं जलाए, धुआं नहीं करे और प्लास्टिक फॉरेस्ट में नहीं फेंके, इसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे सुजानगढ़ के दोनों सुपरस्टार हैं, समझे आप? पानी नहीं पिया ना? अरे पूछ ही नहीं रहा कोई मेरे को। अभी आप पानी पी रहे हैं, सर पानी वैसा नाराज मत होया बेटा। मैं डार्लिंग पता नहीं था तू है सर, मौका दे। अच्छा ये मेरे को बता, तुम लोग इधर ही हो, तुम लोग कुछ नाश्ता वास्ता किया है या ऐसे ही बैठे हो? लग तो रहा है इतना सारा पानी पड़ा है तो मतलब तुम लोगों ने अच्छा खासा पानी। आया हो, सलाम अलैकुम, आ जाइए। चलिए सर बोलिए। ये सम्मानित है ना ये? हाँ, क्या एक के बाद एक सम्मानित होने का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्यार, ये आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं जो प्रेस मीडिया आया उनको बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अंजन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि अंजन जी ये 2 साल से कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर पाए, नहीं तो वो साल दर साल एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। और इस बार उन्होंने महाराष्ट्र रत्न अवार्ड जो किया सभी दिग्गजों को दिया, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं अंजन जी का और तमाम इस यूनिट से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात अवार्ड मिलने की, तो देखिए अवार्ड तो हमें बहुत से मिले, मगर जब महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई नाम हो तो महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, मातृभूमि हमारी राजस्थान है, मगर कर्म भूमि हमारी महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र के नाम से हमें कोई चीज़ मिलती है, खास करके ये महाराष्ट्र रत्न, तो मैं समझ रहा हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेस्टीज अवार्ड है। और आज इस अवार्ड को पाकर मैं बहुत धन्य हो गया हूँ। और मेरे साथ जो 2 शख्सियत खड़ी है राजस्थान की, सुजानगढ़ की, एक पवन तोदी जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये भी आपकी तरह मीडिया से ही हैं। और इनका एक मैं खास बात बताना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी इस वक्त पूछ सकते हैं, 200 साल पुराने कोई भी कैलेंडर की तारीख पूछिए, ये आपको उसका जवाब दे देंगे। क्या बात है, क्या आप में से कोई पूछ सकता है?
कोई सर बधाई नहीं, कोई एक सत्य। अरे भाई ये साल पिछले 2020 का कोई कैलेंडर निकाल के जन्मदिन बोलो, कोई जन्मदिन की तारीख अपना एक जन्मदिन कोई बोलो। 22 जनवरी साल कौन सा साल? 26 जनवरी 81 सर। 26 जनवरी 81 संडे संडे है सर। 3 अप्रैल 2006 3 अप्रैल मंडे। तो ये आप 200 साल तक का पूछ सकते हैं। आप बहुत बड़े पत्रकार के अलावा मेरे साथ अभी लोग मिलके सुजानगढ़ में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, हाउ कैन सिंग टू मूवी। जैसे मैं बताऊँ कि आपको, जैसे हम जितने भी सिंगरों के साथ काम किया, चाहे कुमार सानू हो, उदित नारायण हो, अलका याग्निक हो, साधना सरगम हो, या सोनू निगम हो, या नए पुराने, तो किस तरीके से सिंगर गाता है, तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए मैं इनके गांव जाऊंगा। जाने के बाद में हम लोग ये काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे लिए इतना वक्त दिया। और मीडिया के लिए मैं यही कहूंगा, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में गाओ तो मैं, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। मीडिया आई लव यू, यू लव मी, मीडिया आई लव यू, यू लव मी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली में संगीत के साथ में जहाँ पे शुरुआत बच्चों की होती है, जो कि विद्यालय दर्पण है, आपके बैनर के पीछे भी है, उसका जो है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि संगीत और विद्यालय जो एक ही जगह से शुरुआत होती है, उसका आज यहाँ पे कितना बड़ा अनूठा संगम है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई सर। डॉक्टर अशोक शर्मा सर है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोरोना में सारे बच्चों में सब में एग्जाम में फीस फ्री में पढ़ाते हैं, और इनका बहुत योगदान रहा है। और हनुमान गोस्वामी ने जो हमसे बुला के मान सम्मान दिया है, बहुत सारे अवार्ड मिले। हमारे दिलीप सिंह सर भी बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ, और मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इन लोगों को अवार्ड मिला है, और मीडिया का भी मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये तो जो अवार्ड मिला है मेरे द्वारा, जो मैंने छोटे काम किए हैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और जहाँ तक मेरा हो सका उसके लिए ये जो हमें आज सम्मान मिला, अंजन गोस्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता कि महाराष्ट्र में इतने बड़े होके भी हमारे जैसे एक छोटी सी हस्ती को उन्होंने चुना है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत 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 थैंक यू सर। देखिए, मेरी एक फिल्म आ रही है, पहली मूवी तो आप लोगों को पता है, फर्स्ट मैंने एडल्ट कॉमेडी बनाई थी, पीके लीला सेल्समैन, जो जीरो के साथ रिलीज हुई थी। अभी मेरी एक मूवी दो बेचारे के नाम से MX प्लेयर पे चल रही है, एंड दिस इज़ माय मूवी राज कपूर है जेंटलमैन। सो ये मूवी जो है राज कपूर जी को ट्रिब्यूट है। ये राज कपूर जी की लाइफ पे तो नहीं है, बट राज कपूर जी से इंस्पायर्ड एक लड़के की कहानी है, जो एक आदमी है जो फ़ैन है उनका। उसमें आई एम प्लेइंग द राज कपूर करेक्टर, जो उनका फ़ैन होता है, एंड शी इज़ प्लेइंग नरगिस, जिससे वो प्यार करता है, एंड शी लुक्स लाइक ए नरगिस, यू कैन सी, या एंड शी इज़ प्लेइंग एस अदर हीरोइन इन दैट फिल्म। एंड दिस फिल्म बेस्ड ऑन ए स्लम एरिया, ये एक झोपड़पट्टी की कहानी है, जिसके अंदर जो कोई काम वाली बाई है, कोई ये है, तो ये शी इज़ प्लेइंग काम वाली बाई, इनका रोल है जो ये धोबन है, उनकी बेटी है, ये सब फिल्म स्लम पे है। इसके अंदर वीरेंद्र सक्सेना जी भी हैं, इसमें आनंद जोग जी भी हैं, इसमें काफ़ी अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं, कंचन पगारे हैं, जो अभी अवेलेबल नहीं है, आज बाहर गए हैं। तो ये मूवी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फरवरी या मार्च तक ये मूवी रिलीज़ होगी, ऑल इंडिया सब थिएटर्स में आएगी। बात करें अवार्ड के सर, देख रहा हूँ सारे क्या ट्रॉफी है। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, पहले TV कर रहा था, फिर फिल्मों में आया, मैंने ब्रदर्स भी किए, मैंने ग्रैंड मस्ती भी किए, तो वो जो काम है जब वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर ऐसे अवार्ड्स आपको मिलते हैं, फिर उसके लिए आप पर्टिकुलर कह नहीं सकते कि ये किसके लिए मिले, क्योंकि जब आप सालों से काम करते रहते हो, जब आप किसी मीडिया से किसी चीज़ से जुड़े रहते हो, तो लोग आपको सम्मानित करते हैं, वो एप्रिसिएशन हमें मिलता है। और एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि उसने जो भी किया उसकी वजह से अगर उसे सम्मान मिला है, तो इससे वेरी गुड। वेल मैंने जो राज कपूर और जेंटलमैन, उसमें नरगिस का रोल निभाया है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये मूवी के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक इमोशनल थिंग जैसा, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तू तो मेरी नरगिस है, नरगिस है। तो जब मानव जी मेरे पास आए थे ये मूवी के लिए, और उन्होंने मुझे मेरा कैरेक्टर बताया था, मुझे इतनी हाँ कर ली। तो हाँ, प्लीज़ सब लोग
राज कपूर और जेंटलमैन जितना हो सके। एंड ही इज अ कोरियोग्राफर ऑफ आवर मूवी मिस्टर राज साहब, इज अ वेल नोन कोरियोग्राफर, बड़ी बड़ी फिल्में की है इन्होंने। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि ये फिल्म बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रियल जोन में शूट की गई है। अब गाने भी, हर गाने में एक स्टोरी है और हर गाने के पीछे आपको मतलब अलग अलग शेड्स दिखेंगे। अभी जो गाना बज रहा था वो हमारी फिल्म का था, गली का ही गाना है। आपको चार पांच गाने मिलेंगे, बहुत रोमांटिक है फिल्म, देखने को आपको पता चलेगा एक कैरेक्टर है जिसके कितने शेड्स हैं, वो आपको गाने में भी मिलेगी और एक रोमांटिक जर्नी मिलेगी जो आप गाने में देखोगे, जो आपको पूरी स्टोरी टेलिंग होगी। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे और गाने बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं और म्यूजिक बहुत अच्छा है। म्यूजिक विद्युत गोस्वामी जी का है, जिनके वो गाने हैं हीरी है सोनी है तेरी याद आंधी है, एंड शी इज श्रावणी गोस्वामी। हेलो, मैं श्रावणी गोस्वामी, मैं इस फिल्म में राज कपूर और जेंटलमैन मूवी में मैं लक्ष्मी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर है, जो एक काम वाली होती है, जो ऑलवेज राज को सपोर्ट करती है बिना मतलब के, उसे राज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपना देना जानती है इस फिल्म में, और बहुत इंटरेस्टिंग और काम करते हुए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। मैं आज तक जो करती आ रही हूँ हमेशा लैविश कैरेक्टर और ये वो बहुत ही डिफरेंट मुझे मिलता गया है, पर इस फिल्म में एकदम काम वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमने रियल लोकेशंस में शूट किया, रियल लोकेशन पे हो रहा है, असली झोंपड़पट्टी में, और जो हमारा क्राउड है सारा वो सब रियल था, सब रियल क्राउड, जो लोग बस्ती के लोग थे उन्होंने हमारे साथ एक्टिंग की है, जिसमें वीरेंद्र सक्सेना जी, जनन जोग सब आते थे, वहीं बैठते थे, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये फिल्म की शूट चल रही है। ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मैं उम्मीद करती हूँ, तो फिल्म हमारी बहुत जल्द बाहर आ जाएगी, थिएटर में लगेगी और ये फेस्टिवल के लिए भी है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिए। जब भी इसका हम टीजर लॉन्च करेंगे देन वी विल इन्वाइट टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अभी ये जो फिल्म के बारे में बताया उन्होंने स्लम एरिया में बताया, हम तो 29 साल से उस स्लम एरिया से जुड़े हैं और ऐसे ही बच्चों को हम लेके आज तक उनको फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म देते आए हैं। 29 ईयर्स ये अपने आप में रिकॉर्ड होता है। ये तो प्रिंसिपल है, मैं प्रोफेसर हूँ एसएनडीटी कॉलेज में और डालमिया में, हम भी एक्टर से कम नहीं है, सारा दिन हमारी भी एक्टिंग चलती रहती है, एजुकेशन फील्ड में बहुत तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैम आप सोशल एक्टिवली है, फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है और आप जो है बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में? हाँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं काफ़ी सारे फाउंडेशन से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड और ये सब, और मैं जीवन सौरभ सीनियर सिटीजन ग्रुप से भी जुड़ी हूँ, जहाँ हम अच्छे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसे सीनियर सिटीजन्स लोग एंजॉय करते हैं, और हम श्योर इनकी फिल्म को जरूरी देखेंगे जितना इन्होंने बताया, जरूर देखेंगे। और हमारे जो बच्चे रहेंगे उनको तो हम जरूर कहेंगे कि एक स्लम एरिया में किस प्रकार का जीवन है, ये अपने जीवन का ही प्रतिरूप है। और इसका टाइटल राज कपूर जेंटलमैन, एक राज कपूर साहब की लाइफ से ये बहुत इंस्पायर्ड मूवी है और हमने वही फिलोसफी इसमें यूज़ की जो वो करते थे कि आदमी जो है वो इंसान एक ही होते हैं, किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मज़हब अलग अलग हो, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो दिस इज़ द फील ऑफ माई मूवी, ये मेरी फिल्म में आपको मिलेगा कि एक इंसान जो सबको बराबर समझता है, वो आप जब देखेंगे राज कपूर साहब के नाम से आप समझ जाओ कि मैंने क्या बनाया हो। अच्छा, मैं इस अवार्ड के लिए आपकी आवाज़ फाउंडेशन और अंजन गोस्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवार्ड के लिए, जो हमें डिजर्व समझे और यहाँ पे बुलाकर ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया। इन्होंने क्वेश्चन किया कि इस फिल्म में कॉमेडी होगी नहीं होगी। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको सीरियस ढंग से बताई जाए ना तो बहुत हैमर करती है, लेकिन अगर आपको फनी तरीके से समझाई जाए तो इंटरेस्टिंग लगती है और एक मैसेज भी मिल जाता है। तो मेरी इस फिल्म में एक फन है, वो है कंचन पगारे। कंचन पगारे इज दैट गाय जो फेविकोल का ऐड और अभी एक ऐड चल रहा है, छोटे से कद का एक आर्टिस्ट है जो काफ़ी एड्स में आते हैं, वो इस फिल्म में फ़न है, जो फन एलिमेंट भी है इस फिल्म में, हल्की फुल्की हंसी भी है और डांस भी है इसके अंदर, रोमांस भी है, आ पा रहा हूँ जैसा फील भी है, और आपको ये उसी ऑरा में ले जाएगी जो फिल्म में आप कपूर साहब की देखते थे, तो आपको लगेगा यार क्या बात है।
हम उसी दौर में चलेंगे, उस टाइप से मैंने फिल्म को बनाया। और ये अवार्ड के लिए मैं अंजन गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंजन गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड कर लो भाई, क्योंकि जो है वो अंजन जी ने हमें बुलाया और सम्मान दिया उसके लिए। आपकी आवाज़ फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहती हूँ, अंजन जी का खास धन्यवाद देना चाहिए। आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड, वो हमेशा मुझे याद करते एज अ बेस्ट प्रोफेसर, और काफ़ी बेस्ट प्रोफेसर से वो सम्मानित करते हैं। और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं इतने बड़े जो हैं, वो भी हमेशा हमें मोटिवेट और गाइड करते रहते हैं। नहीं, इसमें कोई प्रोजेक्ट कभी नहीं है आगे के लिए, मैं मतलब कर रही हूँ, मैंने बिग स्विच सीजन 2 में किया है, आशा जी से आशाएं मेरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जो डायरेक्शन दामोदर जी ने किया था। थैंक यू, थैंक यू। आज महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र रत्न अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिलने का एक हमारे पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि हमने एक अभियान छेड़ा है, पृथ्वी बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, घर घर जड़ी बूटियाँ लगाएं। आयुर्वेद के माध्यम से हमने जो प्रचार प्रसार किया है, अभी तक हमने 65 देशों की यात्रा की है, वहाँ पर सिर्फ हमने भारत का आयुर्वेदा योगा मेडिटेशन के माध्यम से हमने प्रचार प्रसार किया है, और हमारे अंजन गोस्वामी के माध्यम से इस मंच में आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये अवार्ड पूरे भारतवर्ष के जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं, उनसे निवेदन है इसी प्रकार आयुर्वेद की खोज करें। सनत जयसूर्या जैसे महारथ जो अपंग थे, चल नहीं सकते थे, आज उन्हीं आयुर्वेद के माध्यम से आज सनत जयसूर्या अपने पैरों से दौड़ रहे हैं, दुनिया देख रही है। आप हमारे YouTube में जाके देखेंगे, Google में जाके देखेंगे, डॉक्टर प्रकाश टाटा लिखेंगे, आपके बारे में मालूम चल जाएगा हमारे बारे में कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हम कैसे कर रहे हैं। महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से हमें सम्मान किया गया, महाराष्ट्र के सभी पब्लिक को, समाज को, भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अवार्ड तो जब भी मिलता है तो आदमी उत्साहित होता ही है, सो बोलना यही है कि आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, एंड जब आपका काम को अप्रिशिएट किया जाता है तब आपको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन बहुत से कलाकार मैंने ऐसे भी सुने हैं जो कहते हैं कि हमें अवार्ड की जगह रिवॉर्ड मिलता तो अच्छा था, बट दे डोंट नो द डिफरेंस आई थिंक, बिकॉज रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा, आप काम करेंगे पैसे मिल जाएंगे, अचीवमेंट करेंगे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने काम के लिए जो है उसको प्रोत्साहन देना या उसको बड़ा करना, उसके लिए आपको अवार्ड की जरूरत होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस अवार्ड, एंड एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमने एक हमारे सिमटा के यहाँ से एक अभियान शुरू किया है, अडॉप्ट ए सीनियर, क्योंकि बहुत सारे सीनियर हैं जो सिंगल हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी की वाइफ नहीं है, वो अकेले जीवन कैसे जी रहे हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक ऐसे कलाकार को जो बड़े बड़े स्टार्स, उनको नाम नहीं लूँगी मैं, लाइक जिनको महानायक ये सब बोला जाता है, उनके साथ भी काम किया है, लेकिन आज उनके घर में ना दवाई के लिए पैसे हैं ना खाना खाने के लिए पैसे हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ आने का सिर्फ ये था कि मैं अपनी बात जनता के सामने, कलाकारों के सामने जो सक्षम हैं उनके सामने ये रख सकूँ। आप सक्षम हैं, आप अपने कलाकार भाइयों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ अगर आप अपनी इनकम में से जो काम कर रहे हैं 1% भी उसमें से निकाल के उन कलाकार भाइयों को या बहनों को दें, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से बीत सकती है। और सब जो प्रोड्यूसर्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो पर डे के कलाकारों को टाइम पर पैसा नहीं देते, जो 4 दिन काम कर रहे हैं उनकी अगर 4,000 पर डे की है या 5,000 पर डे की है, उनको नहीं दिया जाता, 3 महीने रख लाया जाता है, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं कि देखिए हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास घर में दवाई के पैसे नहीं है। उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, जो करते ही पर डे काम है, जिनको करना ही 4 या 5 दिन काम है, उनके पैसे तो कम से कम प्लीज़ मत रोकिए। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया के बिना आप ये बात नहीं पहुँचा सकते, मेरे अकेले बोलने से कुछ होगा नहीं जब तक आप हमारा साथ ना दें, तो मैं चाहती हूँ कि जनता तक ये आवाज़ पहुँचे, कलाकारों तक ये आवाज़ पहुँचे। आप सक्षम हैं, आपके पैसे हैं, आपका नाम है, लेकिन वो नाम वाम सब ही धरा रह जाता है, एक आदमी चला जाता है जब, वही 6 फुट की जगह रहती है। कोरोना वायरस से अगर हम ये भी नहीं सीखे तो फिर कब सीखेंगे? जो आपसे लेस फॉर्चुनेट है
उनकी मदद कीजिए, गिव इट बैक टू द सोसाइटी, दैट्स व्हाट इज माय हंबल रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत सीनियर रिपोर्टर हूँ। यहाँ पे मैं आई, हमारी टीना गाय के साथ आई थी, हमारी फ्रेंड है, तो हमको उनकी तरफ से मुझे भी अवार्ड यहाँ पे मिला और मुझे बहुत खुशी। हाँ देखिए, जो भी अवार्ड हमको मिला है और उस अवार्ड देने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, ज्योतिष के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इस आधार पर अगर अपने जीवन की स्थिति को आप सुधारने की कोशिश करें तो बहुत ही उत्तम होगा। हमारा कब जन्म हुआ, किस समय जन्म हुआ, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, किस ग्रह ने हमारे ऊपर क्या असर डाला, कौन सा ग्रह हमको ख़राब कर रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हम उसको जानकारी लेकर के और उसका समन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी उन्नति होगी। और ये हमने बहुत पहले आपके क्षेत्र में करके दिखाया है। सन 88 में एक बहुत ही गरीब और छोटा बालक था जो कि हर तरीके से असहाय था, उसकी मैंने ग्रहों के आधार पर मदद की और आज आपके नगर में मुंबई में वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इसके आधार पर अगर कोई भी चलने की कोशिश करेगा, खराब ग्रहों का समन करके चलेगा, तो उसका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। माय नेम इज़ राजकुमारी राजावत। मैं आवाज़ फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आप मीडिया वाले लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं और आप ही के प्लेटफॉर्म की वजह से आज कुछ जो कुछ भी है आप ही लोगों की वजह से है। तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं लोगों के मैं अपनी कला से उनका चेहरा बदल सकती हूँ, उनके दिलों में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ फाउंडेशन को कि मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया। बहुत खुशी मिल रही है, मगर जितना खुशी मिलना चाहिए था उतना खुशी नहीं मिल रहा है, मिला मुझे। जो सच है सच कहना हमेशा ज़रूरी पड़ता है। मैंने जिस तरह का सपना देखा था उस तरह का हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आई। ये शो करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और इसकी तैयारी में काफ़ी दिनों से कर रहा था। खैर, मैं इतना शुक्रगुजार उन लोगों का, दिलीप सिंह का, अरुण जी का, टीना गाय जी का और काफ़ी जितने आर्टिस्ट लोग आए हुए, धन्यवाद उसको मेरी तरफ से। सबसे पहले धन्यवाद मैं करूँगा आप लोगों का, क्योंकि इंडस्ट्री में या दुनिया में अगर मीडिया नहीं है तो दुनिया अधूरा है। क्योंकि सबसे पहले मैं मीडिया को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। क्योंकि आप लोगों का सहानी से, आप लोगों का सहमति से, मतलब आप लोगों का हर टाइम आप लोग हमारे प्रोग्राम में हो चाहे मुहूर्त में हो, आप लोग आते हो, हमारे चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाती हूँ, लोग तक पहुँचती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर, ये कहना चाहूँगा कि फिल्में बनाने का काम करते हैं, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? अभी हम लोग 5 तारीख को जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए गोरखपुर, और उसके बाद हम ये भोजपुरी फिल्म है कुंदन, गोरखपुर में जा रही है शूटिंग। ये फिल्म के लिए रोक कर मैं यह शो किया क्योंकि हमारे काफ़ी लोग पहुँचे थे, दिव्या दत्ता जी पहुँचे थे, अरुण बख्शी जी, अली खान जी, दीपू श्रीवास्तव, संगीता पगारे, कंचन पगारे, श्रावणी गोस्वामी, मानव सोहेल, बेस्ट कोरियोग्राफर अभी इंडिया का चल रहा है मतलब यंग जनरेशन में राका जी। कितने साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? ये हमारा 12 साल आज पूरा हुआ। कैसे, पहला बार कहाँ किए थे? सबसे पहले मैंने किया था मानोली में,
ये अवार्ड मेरा मानोली में शुरू हुआ था, धीरे 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 मैं इसको बांदा तक पहुंच गया, अभी कोशिश करूंगा। बेटी अगले साल पहुंच जाएगी, देखते हैं आप लोग आशीर्वाद, अगर आप लोग आज सहमत रहा तो जरूर आगे। थैंक यू सर।